सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं पार्ले कस्टर्ड पुडिंग। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आप पार्ले जी का पैकेट ले लीजिए। उसको हाथों से तोड़कर मिक्सी के जार में डाल दीजिए। अब आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। जब ये ग्राइंड हो जाए तो आप इसको एक बाउल में निकाल लीजिए। अब आप इसमें कोको पाउडर डाल दीजिए। और वनीला एसेंस भी डाल दीजिए। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें बटर को आप मेल्ट कर लीजिए। फिर इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप कोई भी बटर ले सकती हैं। अब आप एक बर्तन ले लीजिए, उसको गैस पे रख दीजिए और उसमें दूध डाल दीजिए। अब आप इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल दीजिए। अभी आप गैस ऑन मत करिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दूध ठंडा होना चाहिए। जब ये मिक्स हो जाए तो गैस ऑन कर लीजिए और इसको लगातार चलाते हुए गाढ़ा कर लीजिए। अब आप इसमें चीनी डाल दीजिए। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप ग्लास ले लीजिए और जो हमने बिस्किट का मिक्सचर तैयार किया था वो इसमें डाल दीजिए। और इसको स्पून से सेट कर लीजिए। अब बिस्किट सेट हो गया है। जब कस्टर्ड थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप इसमें डाल दीजिए ग्लास में कस्टर्ड को। अब आप कोको पाउडर ले लीजिए, इसको एक बर्तन में डाल लीजिए। और इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए और चीनी भी डाल दीजिए और इसको मिक्स कर लीजिए।
अब कोको वाले मिक्सर में आप दूध डाल दीजिए और लगातार इसको चलाते रहिए और गैस पे रख दीजिए। गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा। और इसमें बॉयल आने दीजिए और ये गाढ़ा हो जाएगा। अब आप गैस बंद कर दीजिए और इसको थोड़ा ठंडा कर लीजिए और इसमें बटर डाल दीजिए और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब कोको पाउडर वाला मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप ग्लास में इसकी भी एक लेयर लगा दीजिए। और इसको सेट होने दीजिए और ठंडा कर लीजिए। अब आप इसके ऊपर बिस्किट डाल दीजिए और सर्व कर लीजिए। अब हमारा पार्ले जी बिस्किट पुडिंग बनकर तैयार है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।